वो भी पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष के समय अपने पितर का सम्मान होता है, जो अपने राजनीतिक पितर का सम्मान नहीं किया वो अपने पितर का क्या सम्मान किया। श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी का गांव दुधारचक है, उस गांव को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी ने गोद लिया था, जो उनके स्मृति में पेड़ लगाया वह भी देख लीजिए, अश्विनी चौबे जी नाम है इसमें लिखा हुआ है, पेड़ भी सूखा है। अगर आपको यह श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के प्रति सम्मान मन में था तो आप तो उनके पैतृक गांव में कार्यक्रम करते। कहां पर लगाया श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के एक अदद मूर्ति तक नहीं लगाया। जब वो गंभीर बीमारी की अवस्था में थे तो आपने कोई चिंता नहीं की। बिहार भाजपा के भीष्म पितामह श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र का आज 100वां जयंती है और इस मौके पर बड़ा जो कार्यक्रम है बीजेपी ने तैयारी कर रखी है और आज जेपी नड्डा उन्हें श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद हैं नीरज कुमार। नीरज जी, आज जो श्रद्धांजलि सभा है उसका आयोजन किया गया, जेपी नड्डा आ रहे हैं। सार्वजनिक जीवन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी की 100वीं जयंती है। भारतीय जनता पार्टी को लंबे अरसे के बाद अपने पुरखे का याद आया, लेकिन वह भी याद आया रस्म अदायगी के रूप में। अगर आपको यह श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के प्रति सम्मान मन में था तो आप तो उनके पैतृक गांव में कार्यक्रम करते। जिस धरती ने जन्म दिया, जिस माँ ने जन्म दिया, उस धरती को नमन करके कार्यक्रम करते तो बात समझ में आती। चूँकि इतिहास आपका कलंकित है इस मामले में। श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी का गांव दुधारचक है, उस गांव को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी ने गोद लिया था, तो गोद भी सूना है, कोई काम इन्होंने नहीं किया है वहां। और साथ ही साथ जो उनके स्मृति में पेड़ लगाया वह भी देख लीजिए, अश्विनी चौबे जी नाम है इसमें लिखा हुआ है, पेड़ भी सूखा है। और हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि आप तो धनबल की पार्टी हो गए, राज्य के लगभग हर जिले में आपका कार्यालय है, कहां पर लगाया श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के एक अदद मूर्ति तक नहीं लगाया। एक अदद उनके सम्मान में कोई कार्यक्रम होना चाहिए, वह भी नहीं आपने किया। अब जब चुनावी मौसम आया है तो इनको याद श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी का आया है, तो उन्होंने तो राजनीति में भिक्षाटन करके अपनी पार्टी का निर्माण किया था। राजनीतिक मतभेद हमारे हो सकते हैं नीतियों के सवाल पर, लेकिन उनके व्यक्तित्व पर किसी को मतभेद नहीं था। और कोई कृपा नहीं किया कि आपने उनको महामहिम राज्यपाल बनाया तो कोई कृपा किया, लेकिन सवाल यह जरूर कायम है कि जीवन के अंतिम क्षण में जब वो गंभीर बीमारी की अवस्था में थे तो आपने कोई चिंता नहीं की। RSS और भाजपा के कार्यकर्ता उनकी सेवा के लिए नहीं गए। माननीय नीतीश कुमार जी ऐसे राजनीति में उदार व्यक्ति हैं, जो किसी भी दल के व्यक्ति हों उनके पुरखे का सम्मान करते हैं, चाहे श्रद्धेय अरुण जेटली जी का हो, श्रद्धेय अटल जी का हो। श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के पुत्र वधू को विधायिका का टिकट दिया और महिला आयोग का चेयरमैन बनाया कि आर्थिक संकट नहीं रहे, उनके परिवार उनकी सेवा कर सकें। लेकिन भाजपा के लोग यह बताएं कि जब श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी बीमार थे, जब उनकी शारीरिक अवस्था कमजोर हुई तो सेवा किया कि नहीं, आर्थिक संकट जो उनके साथ था उस आर्थिक संकट में कोई मदद किया कि नहीं, और कितने दिनों तक उनके परिवार की सुध लेने गए। राजनीतिक सुध लेना अलग विषय होता है, लेकिन जब जिस तपस्वी का आप फल खा रहे हैं राजनीति में, उनके द्वारा कोई अगर उनके स्मृति में जो आपने किया वो तो पेड़ भी सुखा दिया। तो राजनीति में शर्मसार हुआ कि जो अपने पुरखे का सम्मान नहीं करेगा, वो भी पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष के समय अपने पितर का सम्मान होता है, जो अपने राजनीतिक पितर का सम्मान नहीं किया वो अपने पितर का क्या सम्मान करेगा। एक आखिरी सवाल है और बड़ा है, 3 बैठक करने जा रहे हैं, क्या लगता है चुनावी मूड ऑन है? अरे तो वो तो बैठक करना ही पड़ेगा। बैठक तो अब तो बिहार में जाति सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई, अब तो इतनी बैठक करनी पड़ेगी कि गांव-गांव में लोग पूछेगा कि भाई देश के अंदर जनगणना क्यों नहीं हो रही है। सवाल यह पूछेगा आपसे अब
कि भाई आपने जो वायदे किए उन वायदों पर तो अब बहस ही नहीं होगी, बहस तो इस बात पर होगी कि आखिर कौन सी नरेंद्र मोदी जी की मजबूरी है कि देश के अंदर में जनगणना नहीं करा रहे हैं। सामाजिक आर्थिक जनगणना की तो बात दूर की बात है, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के माथे पर राजनीति का बैताल के रूप में आएगा। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा, ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरिमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। पैनोरिमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरिमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार।